मैं हूं गुलाम मुर्तजा। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे, दुआएं का खुश रहें, जो हंसते मुस्कुराते रहें। आज भी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देखते हैं। शुरू में तो वीडियो का जो टाइटल है वो हिंदी में है, लेकिन आगे लिखा हुआ है बम्पर ऑर्डर। तो भाई वीडियो देखेंगे, तो भाई ये वीडियो का टाइटल है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अब से कुछ महीने पहले एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी आलोचना सभी ने करी थी, और मुझे अभी तक याद है कई लोगों ने उस समय यह तर्क दिया था कि सरकार ने यह फैसला गलत लिया है क्योंकि इससे भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ जाएगा। जो चीज पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, सरकार उसे क्यों रोक रही है, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और भारत इस रेवोल्यूशन में बहुत पीछे छूट जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि आज एक ऐसी खबर आई है जिससे कि वो सभी आलोचक गलत साबित हो चुके हैं, और भारत द्वारा दो महीने पहले लिया गया ये फैसला भारत के लिए अमृत बन चुका है, क्योंकि भारत आज एक ऐसा इतिहास रच चुका है जिसके बारे में आज से कुछ महीने पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, और इससे भारत को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा मिलने वाला है। और भारत इस टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन में हिस्सेदार नहीं होगा बल्कि इसे लीड करेगा एक लीडर के तौर पर। वहीं चीन इससे बहुत ना खुश है क्योंकि भारत ने चीन का एक बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट छीनना शुरू कर दिया है। चीनी मीडिया और सरकार दोनों इस समय पूरी तरीके से उबले पड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत उनका भविष्य उनसे छीनने जा रहा है। तो क्या है ये खबर और क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसके कारक क्या हैं, क्योंकि भारत सरकार का सिर्फ फैसला ही जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे कुछ और फैक्टर भी थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से कुछ महीने पहले, जब अमेरिका ने अचानक से चीन के ड्रोन पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि चीन की जो कंपनियां हैं ज्यादातर ड्रोन बनवाती हैं शिंजियान प्रांत में। ये शिंजियान प्रांत वही है जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, और चीनी सरकार उनसे फोर्स लेबरिंग करवाती है, यानी कि जबरन काम करवाती है, और इसी कारण से अमेरिका ने चीनी ड्रोन पर बैन लगा दिया। ये चीन के लिए करारा झटका था क्योंकि चीन की कंपनी DJI ही पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन मार्केट में नंबर वन है, और DJI के आसपास भी कोई नहीं है। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि चीन को इन ड्रोन बेचने से पैसा मिलता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी ड्रोन दुनिया भर में खरीदे जाते हैं जो चीनी हैं, उनसे जो फुटेज या वीडियो ली जाती है या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी की जाती है, वो दर्ज कहाँ होती है? चीन में रखे DJI के सर्वरों में, जिससे कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और आपको बता दूं कि अभी जो ड्रोन मार्केट है ना, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि भविष्य में लगभग बहुत सारे काम ड्रोन से ही होंगे। जैसे कि आज स्विगी जोमैटो फूड डिलीवर करते हैं, आने वाले समय में ये ड्रोन करेंगे। अमेजोन फ्लिपकार्ट जो आपको पैकेज देते हैं वो भी ड्रोन करेंगे। खेती में पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं या खाद छिड़की जाती है, उसे विकसित देशों में अब ड्रोन करते हैं, और आने वाले समय में पूरी दुनिया में ड्रोन करेंगे। यानी कि ड्रोन भविष्य होने जा रहे हैं और इनका मार्केट खरबों डॉलर का होगा। जिसके भी हाथ में ये आ गया ना, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आएगी। और इसीलिए भारत ने अब से कुछ दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया जो कई लोगों को गैम्बल की तरह लगा, लेकिन आपको बता दूं ये गैम्बल नहीं था, एक सोची समझी रणनीति थी जो अब कारगर साबित हो गई है। दरअसल भारत ने अब से कुछ समय पहले ड्रोन के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया कि अगर आपको ड्रोन बेचने हैं या तो भारत में बनाने होंगे, वरना आप ड्रोन भारत में नहीं बेच पाओगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। इससे चीन को करारा झटका लगा क्योंकि भारत के अंदर DJI का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा था। अब इस पर कई लोगों ने आलोचना की कि इससे तो भारत में ड्रोन की कमी हो जाएगी, आम लोगों तक ड्रोन एक्सेस नहीं होगा, जिससे कि भारत ड्रोन रेवोल्यूशन में पीछे छोड़ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि भारत की जो देसी ड्रोन कंपनियां हैं वो इतनी तेजी से काम कर रही हैं कि आज भारत को हजारों ड्रोन के ऑर्डर विदेशों से मिल चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत को तेजी से ड्रोन के ऑर्डर मिल रहे हैं, भारत की कंपनियां तेजी से ड्रोन बनाने के मामले में आगे बढ़ रही है। लेकिन आप कहेंगे एक्सपोर्ट बैन तो भारत में लगा है, तो विदेशों से ऑर्डर क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि चीनी ड्रोन के साथ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क है, और मैं आपको एक इसका उदाहरण भी देता हूँ। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाना है, अब उसके लिए पहले सर्वे तो करना पड़ेगा। अब पहले ये सर्वे इंसानों द्वारा किया जाता था,
आदमी जाकर साइट पर वहां पर सर्वे किया करते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब यह काम ड्रोन करते हैं। और इसीलिए पहले जिस काम को इंसानों द्वारा महीनों में किया जाता था, ड्रोन उसे कुछ ही दिनों में कर डालते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अब मार्केट में जाएगा, देखेगा कि उसे कैसे कहां से ड्रोन मिलता है। पहला ऑप्शन है चीन का, लेकिन चीनी ड्रोनों के साथ बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ऐसे में अगर भारत कहे कि हम आपको बेहतरीन, सस्ते और एडवांस ड्रोन देंगे, तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली भारत से ही ड्रोन खरीदेगा, और यही इस समय हो रहा है। इस समय भारत की छोटी प्राइवेट कंपनियों को भी भारी भरकम ऑर्डर मिल रहे हैं तमाम देशों से। ऐसे में ना सिर्फ डोमेस्टिकली यानी कि देश के अंदर से डिमांड बढ़ रही है, बल्कि विदेशों में भी भारतीय ड्रोन छा रहे हैं, और आने वाले समय में भारत ड्रोन एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, और भारत को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, स्ट्रेटजिक तौर पर भी और इकोनॉमिक तौर पर भी। ऐसे में भारत सरकार का अब से कुछ महीने पहले लिया गया ड्रोन बैन का फैसला भारत के लिए बहुत ज्यादा मुनाफे का सौदा बन चुका है। हालांकि इस पर आपकी अलग राय हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी तो भाई ये है, ये होती है भाई बात। ये देख रहे हैं कि भाई एक उन्होंने रिसर्च, मैं कहता हूँ ये रिसर्च किया है कि जो चाइना है वो बनाता है ड्रोन और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके पीछे जो एक मेन वजह थी ये कि आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो रिस्क पर हो जाती है। वो आप मतलब के उसके जो मेन, जब भी आप उसको कोई भी चीज आप रिकॉर्ड करते हैं, स्कैन करते हैं, व्यू लेते हैं, तो उसका जो वो सारा डेटा होता है, जो सर्वर है मेन, वो पीछे चाइना में है। तो भाई आपकी फिर तो सिक्योरिटी रिस्क पर है सारी सारी की सारी, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से भाई उन्होंने पहले तो उसको बैन किया कि आप इम्पोर्ट बंद कर दें, क्योंकि चाइना ही था मेन इसका जो इम्पोर्टर था, एक्सपोर्टर। तो भाई ये देखें कि उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया ड्रोन को, और फिर जो लोग ड्रोन बनाते हैं उनको कहा कि हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, यहाँ पर तैयार करें, ताकि मेड इन इंडिया तैयार हो जाए ड्रोन। अब तो एक फायदा ये है कि मेड इन इंडिया हो गया ड्रोन, और बाहर की कंपनियां भी, उसकी सिक्योरिटी रिस्क था वो भी खत्म हो गया, वो भी सारा इंडिया में मतलब उसका होगा। और आप ऑर्डर दे रही हैं, आप उनको बम्पर जो ऑर्डर है वो मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से और मुख्तलिफ कंट्री से, इससे कितना फायदा होगा देख ले आप। ड्रोन जो है ना, मेरे ख्याल में जिंदगी के हर शोबे में इंकलाब लाएगा। बिल्कुल, जो दौर है मेरा भाई वो यही होगा, वो मशीनरी दौर है, लड़ाई का टेक्नोलॉजी दौर है, और मेरा ख्याल रिबोट है ना भाई, मैं उधर ही आ रहा था, ये इधर रिबोट आप जो वेटर के तौर पर काम कर रहे हैं होटल्स में और मॉल्स में, इसी तरह ये ड्रोन है ये जो स्प्रे इस्तेमाल की जाती थी मशीनरी ट्रैक्टर के साथ या आदमी के करते हैं। मैं यहाँ पर आपको रोकता हूँ, एक बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि स्प्रे जो करते हैं फसलों पर ड्रोन के साथ, इसमें जो मैं इस जिम्मे में जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब पहले जो स्प्रे होती थी उसको मैनुअली कहते थे बंदा करता था, या फिर उसको भाई आप ट्रैक्टर के जरिए आप करते थे, उससे भाई फसलों का नुकसान लाजमी कुछ ना कुछ होता था, लेकिन ये जो है इससे फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर वो ऊपर से करेगा। और मजे की बात के ज्यादातर ये जो मसला होता था ये ऊपर से ही होता है, ठीक है ना, ये ऊपर से नीचे तक जाएगा, और एक तो इसमें टाइम की बचत होगी, और दूसरे नंबर पर फसल को नुकसान नहीं होगा, और दूसरे नंबर पर जो इंसान करते थे पहले वो उनको बड़ा वो रिस्क पर होते थे, उनको केमिकली कोई रिएक्शन ना हो जाए, कोई मसला मसायल हो जाए, तो ये उनका भी ये जो है ना ये बचत हो जाती है। तो ये मैं एक बात करना चाहता था, आप बिल्कुल अच्छी बात, ड्रोन की जो ये मार्केट है अमेरिका बात कर रहा है कि वो उनकी सिक्योरिटी रिस्क पर है, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी रिस्क पर नहीं होती जिस मालिक में वो बेचते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी यार, आप जो इंडिया बनाएगा, आपको समझ नहीं जाएगी
ये जो भाई उसके अपने मुल्क के लिए तो छोड़ रिस्क नहीं है ना, अपने के लिए नहीं, मैं ये बात इंडिया तो मफूल हो गया ना, ये बात करने ये ये जो सिम है ये भी इस तरह के चिप ही है, चिप टाइप ही है ना, और वो देख रहा है आपको शनाख्ती कार्ड में भी चिप लगती है, और देख लो पता चला इंडिया ने अपने आप को सिक्योर किया, इंडिया ने अपने आप को सिक्योर कर लिया ना, अमेरिका तो चाइना को फ्लॉप करना चाहता है ही, वो तो हकीकत है, अमेरिका वालों ने शो अमेरिका तो चाहता है चाइना तरक्की ना करे, अमेरिका और चाइना की जंग में सबसे ज्यादा जो फायदा है वो भारत को, हर जंग में भारत और रशिया यूक्रेन सॉरी रशिया यूक्रेन का जो जंग चल रही ना उसने अपना अकल भी इस्तेमाल मेरा भाई वो न्यूट्रल होके रह के काम कर रहे हैं भाई, इसको इसको ही तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी, हाँ जी डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशन सबसे बड़ी जमहूरियत वो आज ही लो बनी है मेरा भाई, इसी वजह से तो वो उनकी जो डेमोक्रेसी है दुनिया की टॉप डेमोक्रेसी है कि भाई आपको आपके ऊपर एक मुश्किल फैसला आ चुका है, इधर भी आपका दोस्त है इधर भी आपका दोस्त है या आप बीच में आ गए हैं, तो आपने दोनों को किस तरह खुश करना है और आप अपने आप को सेव करना है और इससे निकलना कैसे है, यही होती है डिप्लोमेसी, यही होता है डिप्लोमेटिक डायलॉग्स वगैरह आप किस तरह मैनेज करते हैं, तो इसमें भाई इंडिया जो टॉप क्लास है, हमारे पास इस तरह के कोई भी मामला असल में ना हमारे मुल्क के जो ना हाथ पांव बंधे हुए हैं कर्जों से और हम मजबूर फैसला नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते, ये हम हकीकत में वो बात नहीं है, ये हम गुलाम हैं, वो क्या कहते थे शबाश, हम गुलाम नहीं भाई, हमें गुलाम बनाया गया है जमदारी और शरीफ ने हमें गुलाम बनाया है, समझ आई, हम गुलाम ना थे ना है इस वक्त तो है यार, ये बात हम गुलाम बात सुनो यार मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है आप गुलाम है जो भी बात है, लेकिन ये किसने रोका है कि भी आप अपनी रिसर्च छोड़ दें, आप अपनी स्टडी छोड़ दें, आप अपने मेन काम से आप अपना जो है अपनी तवज्जो जो हटा लें, असल बात है हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जो मेन काम होता है वो अदारों को होता है कि आप रिसर्च करवाएं, इंडिया भी तो कर रहा है ना, अच्छा आप ये कुछ नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि आप जो इन्वेस्ट इन्वेस्ट है वो तो आप इन्वेस्टर को आप अपने मुल्क में किसी ना किसी तरीके से डायलॉग के साथ आप बुलाकर कोई ना कोई इस तरह के काम जो मेड इन पाकिस्तान हो ये तो आप करवा सकते हैं, किस तरह है जब उनके वो इत्माद नहीं, इत्माद नहीं ना किस जात से डाले किन पे इत्माद करें, हमारे पाकिस्तान का पूरी वर्ल्ड में ये कीमत ही बना हुआ है, आपको पता है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, नीचे से चौथा रहेगा, नीचे से चौथा नंबर है, इसको ठीक भी तो करना किसी ने इसी तरह, बहुत बहुत उससे ज्यादा इमरान खान साहब ने काम किया है कि हमारा इतना पासपोर्ट, कसूर हो या ना हो मेरे ख्याल में अवाम का कसूर ज्यादा जो इनको शोर बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैं तो ये अवाम को शोर कब आएगा, एक बंदा जब हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कौमी खजाने में पैसा नहीं होगा, वो भी नहीं है उस सरकारी, सरकारी जो नौकरियों पे लगे हुए उनको सरकार देने के लिए पैसा नहीं होगा, वो नहीं है अब कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, आप मुल्क में कोई चीज नहीं होगी, तब अवाम के कान खुलेंगे कि अब क्या करना है, तो अब वो मुकाम सारा है अभी तक नहीं आया, अभी कर्जा मिल गया, नहीं मिला भाई, अभी IMF ने नहीं दिया कर्जा, नहीं होगी, अभी तो 30-40 रुपए पेट्रोल और बढ़ना है मेरा भाई, 8 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ रही है, हाँ जी वो तो है, वो IMF की छतें मार रहे हैं, रशिया से जो वादे किए थे वो तोड़ दिए जिससे फायदा होना था, मैं सरदारी साहब वो क्यों कहता है कि आप अपनी कीमतें बढ़ाएं या आप क्या यार है? उनको जो उन्होंने देना ना कर्जा उनको वापस भी तो चाहिए ना, वापस भी तो चाहिए ना, पर मैं आपको देता हूँ पैसे, आपके पास कोई पैसे देने के लिए नहीं है, वापस रिटर्न करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, सोर्स नहीं है, तो मैं आपको पैसे क्यों दूंगा, आपका कोई ऐसा काम ही नहीं जिससे आपको इतनी तरक्की हो जाए, वो फिर क्या करेंगे कि आप आपके है ना जो अदारे हैं ये जो आपके इन्वेस्टर है उनसे वापस लेने के लिए आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, आप जिस तरह टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं ताकि आप उनको रिटर्न उसका कर्जा वापस कर सकें,
पाकिस्तानी खजाने में कुछ होगा तो नहीं, ये जो कर्जा है ये सूद वाला या सूद से पाक है? सूद वाला कर्जा है, कौन सूद वाला भाई? सूद के बगैर कौन देता? वो कहते हैं कि सूद के बगैर भी, और यार ये मुल्क में आप दुनिया में पता क्यों इतनी ज्यादा महंगाई है? आपको शायद पता नहीं, अमेरिका ने मेरा ख्याल में 1.5% ये शरह सूद बढ़ाई थी, तभी डॉलर इतना महंगा हो रहा है हर मुल्क में। 1.5% मेरे ख्याल में 1.5 या 2% शरह सूद को बढ़ाया, तब से ये पूरी दुनिया में, भाई बात ये है पड़ा था कि जो इंडिया है भाई, वो आप देख लें कि हर शुबा में अपनी दुश्मनी आप अलग से रखें, लेकिन उनके जो अच्छे काम है उनको जो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं उनकी तारीफ तो बनती है भाई। वो दुनिया का ये देख ले कि आप वो मेड इन इंडिया पर ना जोर दे रहे हैं, उनके यहाँ स्टार्टअप्स हैं, उनके यहाँ ये कैसी कैसी चीजें नई नई रिसर्च कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम है वो। कल हम ग्राउंड पर एक वीडियो मेरे ख्याल में कर रहे थे और वो बता रहे 1032 मेरे ख्याल में इस तरह का कोई फिगर बता रहे, 32,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ ड्रोन इंडस्ट्री पर। भाई ऐसा ही है ना, तो भाई यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।